डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लास्टिक के ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक हम अपनी लाइफ में वाइडली यूज़ करते हैं। हर काम में प्लास्टिक का यूज़ होता है, चाहे हम कोई कुछ खा रहे हैं तो भी, या फिर हम कुछ किसी पेन से यूज़ कर रहे हैं, या हम मोबाइल देख रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, तो हर किसी चीज़ के अंदर किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। लेकिन प्लास्टिक जो है कई बार टॉक्सिक सब्सटेंस से भी बनी हुई होती है, जैसे बेंजीन और विनाइल हाइड्रोक्लोराइड। बेंजीन और विनाइल हाइड्रोक्लोराइड जिस भी प्लास्टिक में होती हैं वो टॉक्सिक होता है, और अगर हम उस प्लास्टिक को ईटेबल्स में यूज़ कर लें तो उससे कैंसर हो सकता है। तो मोस्टली जो है पीवीसी और फिथलेट प्लास्टिक्स, फिथलेट को थैलेट बोला जाता है, तो ये जो है हमारी टॉक्सिक प्लास्टिक्स होती हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए ईटेबल्स के लिए। तो अब नंबर कोडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की प्लास्टिक कहाँ पर यूज़ होती है। प्लास्टिक विच हैज़ कोड 1 दैट इज़ नॉन एज अ PET और PETE पॉलीइथाइलिन टेराफिथलेट, ये प्लास्टिक जो है वो टॉक्सिक नहीं होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर बॉटल्स, जूस बॉटल्स और डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स, बटर कंटेनर्स, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकलेबल है, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकल करके पिलो, स्लीपिंग बैग्स में फिल कर सकते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स और कारपेट्स में दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है। 2 नंबर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन HDPE, इसको कॉमनली ओपेक मिल्क एंड वाटर जग्स में यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग डिटर्जेंट शैम्पू बॉटल्स में और प्लास्टिक बैग्स में इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। HDPE जो है रिसाइकलेबल प्लास्टिक है, रिसाइकल बिन बन सकते हैं इसके, कंपोस्ट बिन, बकेट्स, डिटर्जेंट कंटेनर, फेंसिंग एंड पाइप्स। 3 नंबर कोड पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के लिए यूज़ किया जाता है, ये नॉन रिसाइकलेबल होता है। क्लिंग रैप, सम प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल्स, कुकिंग ऑयल, पीनट बटर जार एंड डिटर्जेंट्स, विंडो क्लीनर बॉटल्स में इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में इसको रिसाइकल करके फ्लोरिंग, फिल्म एंड शीट, केबल्स, स्पीड बम्प्स, पैकेजिंग, बाइंडर्स, मड फ्लैप एंड मैट्स बनाए जाते हैं। अब जिसका कोड जो है वो 4 होता है वो प्लास्टिक है LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इस प्लास्टिक को ग्रॉसरी बैग्स, मोस्ट प्लास्टिक रैपर्स, सम बॉटल्स एंड स्क्वायर राउंड कैनिस्टर्स में यूज़ किया जाता है। जब इसको रिसाइकल किया जाता है तो गार्बेज बिन लाइनर्स एंड पैलेट शीट्स इसकी बनती हैं। इसके बाद है 5 कोड। 5 कोड जो है वो पोली प्रोपेलिन PP प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। इसको कॉमनली योगर्ट कंटेनर्स, स्ट्रॉज एंड अदर क्लाउडेड प्लास्टिक कंटेनर्स में यूज़ किया जाता है। जब इसको रिसाइकल करते हैं तो बिन्स, पाइप्स, पैलेट शीट्स, ऑयल, फनल्स, कार बैटरीज, केसेस एंड ट्रे बनती हैं। उसके बाद है 6, जिस प्लास्टिक का कोड 6 होता है उसको PS पॉलिस्ट्रीन कहा जाता है। इसको कॉमनली स्टायरोफोम, फूड ट्रेज, एग, कार्टून, डिस्पोजल कप्स एंड बाउल्स, कैरी आउट कंटेनर्स एंड प्लास्टिक कटलरीज में यूज़ करते हैं। जब इसको रिसाइकल किया जाता है तो कोट हैंगर्स, कस्टर्स, स्टेशनरी ट्रेज एंड एसेसरीज बनती हैं। अब है प्लास्टिक जिसका कोड 7 है, इसको अदर प्लास्टिक्स यानी नॉट कैटेगराइज में रखा गया है। टोटल हमारे 6 प्लास्टिक्स की कैटेगरीज बनी हुई हैं, 7 को अदर कैटेगरीज में रखा गया है। इस प्लास्टिक्स में कार के पार्ट्स, अप्लायंसेस पार्ट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पैकेजिंग। तो आप देखोगे जो कंप्यूटर और हमारी गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स के जो आउटर बॉडी होती है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक की बनी होती है। जब इसको रिसाइकल करते हैं तो कार पार्ट्स, कंक्रीट, एग्रीग्रेट्स एंड प्लास्टिक टिम्बर्स में इसको यूज़ किया जाता है।
तो इस तरह से जिसका रिकॉग्नाइजेशन कोड 1, 2, 4 और 5 है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ़ है। लेकिन जिसका कोड 7, 3 और 6 है दे आर डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड फॉर द एनवायरनमेंट।